प्रदीप एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे और पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और अपने समय को माइंड को शार्प करने में व्यतीत कर रहे होंगे। पिछले टर्म में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात की थी, आज जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं उसका संबंध देखिए क्या है, मिक्सचर से। अगर आप कहीं से भी क्वेश्चन की बात के रेशियो प्रोपोर्शन की जब जैसे ही बात करते हैं तो मिक्सचर वाले क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। मिक्सचर वाले क्वेश्चन को अगर हम एग्जाम की दृष्टि देखें तो एसएससी में ये क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग का भी पार्ट बनते हैं, रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीजीएल का भी पार्ट बनते हैं, जो लोग एलआईसी के एग्जाम देते हैं उनके भी पार्ट बनते हैं और पुलिस के एग्जामिनेशन के पार्ट हैं, ये पार्ट आते हैं। और सबसे बड़ी चीज है ये जीवन के किसी भी क्षेत्र में जब आप किसी चीज को कंपैरिजन कर देते हैं तो ये रेशियो प्रोपोर्शन मिक्सचर के रूप में आते हैं। मिक्सचर के इस क्वेश्चन की बात करें, मान लीजिए दूध वाला है और दूध लेके आया, आपने कहा उसे सस्ता दूध दे दो तो वो उसमें पानी मिला देगा, तो दूध और पानी का जो रेशियो बना ये मिक्सचर है और ये क्वेश्चन क्या होगा इसके रूप में आ जाता है। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस इस समय कैसे है। तो अब हमारे अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहां से बात करेंगे, जो पिछली बार पढ़े थे उसके आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ने के पहले हम कुछ थ्योरी की बात करते हैं। मान लीजिए एक हमारे पास एक व्यक्ति था और एक व्यक्ति के पास यहां पे मिल्क है और ये क्या है, वाटर है। ये मिल्क जो है इसका रेशियो ए है और सॉरी वाटर का रेशियो ए है और बी का रेशियो क्या है, मिल्क का रेशियो बी है। तो अगर हम आपसे पूछे मिक्सचर कितना हुआ तो मिक्सचर क्या है, इन दोनों को ऐड करेंगे, ए और बी को ऐड करेंगे तो मिक्सचर की वैल्यू हो जाएगी। तो वाटर का रेशियो क्या होगा, ए प्लस बी मिक्सचर में क्या होगी, ए होगी, और मिल्क की जो की वैल्यू होगी जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी होगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, यहां पर ये ए और बी रेशियो कहलाता है और ए और बी इसको क्या कहलाता है, ये फ्रैक्शन रेशियो कहलाता है, बी अपॉन ए प्लस बी। ये अगर ए बी को हटा देंगे, जैसे ही ए बी को हटा देते हैं तो ये क्या बनता है, रेशियो बनता है और ये फ्रैक्शन के रूप में रेशियो आता है। तो जब भी हमारे इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रूप में लिखेंगे। दूसरा मिक्सचर है जिसमें दूध पानी और दूध सी और डी के अनुपात में है तो इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। तो फ्रैक्शन क्या होगा, सी प्लस डी मिक्सचर में सी क्या है, वाटर है, और यहां पे सी प्लस डी के मिक्सचर में डी क्या है, मिल्क। अब यहां पूछा है कि मिल्क की स्ट्रेंथ क्या है, द मिल्क की स्ट्रेंथ का रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ द मिल्क स्ट्रेंथ क्या है। तो हमको वाटर से कोई मतलब नहीं है, मिल्क की स्ट्रेंथ चाहिए। तो मिल्क के पहले वाले मिल्क की स्ट्रेंथ ये कहलाएगी और दूसरे वाले मिल्क की स्ट्रेंथ ये कहलाएगी। और इसको लिखने का तरीका क्या है, इस आउटर को इससे गुणा कर दें तो बी का गुणा सी और डी से कर दें और यहां पर जो दूसरा वाला होगा उसके गुणा क्या करेंगे, ए प्लस बी का रेशियो क्या करेंगे, डी से कर देंगे। उम्मीद करते हैं ये बात आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो हम इसी के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन की बात करते हैं और इसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया होगा और स्क्रीन में आ गया है और इस क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करने के बता देते हैं। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, देखिए स्क्रीन में क्वेश्चन जो है उसको हम पढ़ के बता देते हैं। लिखिए One man adds 3 liters of water to 12 liters of milk and another 4 liters of water to 10 liters of milk. What is the ratio of the strength of milk
इन द टू मिक्सचर। यहां पे कह रहा है एक व्यक्ति 3 लीटर पानी को, 3 लीटर वाटर को 12 लीटर दूध में मिलाता है, तथा एक दूसरा वही आदमी 4 लीटर तथा अनदर 4 लीटर को, 4 लीटर वाटर को वो 10 लीटर दूध में मिलाता है। तो बताइए कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मिल्क इन द टू मिक्सचर, इन दोनों मिक्सचर में दूध की स्ट्रेंथ क्या होगी। अभी आपने कौन सा बताया था कि मिक्सचर के रूप में देखें तो मिक्सचर क्या होगा 3 और 12 क्या होगा 15, तो 15 लीटर मिक्सचर में पानी क्या होगा 3 होगा, और यहां 15 लीटर मिक्सचर में मिल्क क्या होगा 12 होगा। इसकी बात करें तो यहां पे क्या होगा 4 मिल्क वाटर है 10 मिल्क है, इन दोनों का ऐड करेंगे तो मिक्सचर क्या होगा 14 लीटर हो जाएगा, और यहां पे 14 में 4 लीटर पानी हो जाएगा, और 14 में 10 लीटर क्या हो जाएगा 14 में 10 लीटर मिल्क हो जाएगा। अब स्टेंट किसकी चाहिए, मिल्क की चाहिए, तो वाटर के स्टेंट को हटा दें। और दूसरी चीज इसको ध्यान रखिएगा, अगर ये सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो तो सिंपल फॉर्म में लिख दिए 3 चौ 12 होता है, और 3 पंचे क्या होता है 15 होता है, 2 से इसको 2 पंचे 10 होता है, और 2 सत्ते क्या होता है 14 होता है। अब स्टेंट चाहिए, अब स्ट्रेंथ चाहिए तो पहले वाले मिल्क की स्ट्रेंथ की बात करें तो पहले वाले की स्ट्रेंथ क्या होगी, इन दोनों में मल्टीपल से मिलेगा तो 4 सत्ते क्या होगा 28 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 होगा, और इन दोनों स्ट्रेंथ की बात करें तो 5 25 हो जाएगा। क्लियर, ये आपको हमने पहला जो स्टेप बताया था उसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चन की बात की। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं पिछले वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ गया होगा, हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं। 2 वेसल्स कंटेन्स इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वॉटर इन द रेशियो 5:2 and 6:1 respectively. Both the mixture are mixed thoroughly. Find the ratio of milk to water in the new mixture so obtained. देखिए दो बर्तन में जिनमें इक्वल क्वांटिटी में मात्रा है उस पे दूध और पानी 5:5:2 तथा 6:1 के अनुपात में है। अब दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, पूरी तरीके से मिक्स कर दिया जाता है, तो बताइए कि जो नया मिक्सचर बनेगा उस पर दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। समझ में आ रही है। अब देखिए यहां पे एक वेसल है, एक बर्तन है जिसमें यहां पे दूध और पानी यहां पे मिल्क और वाटर किसके अनुपात में है 5:2 के अनुपात में है, और दूसरे बर्तन में ये अनुपात 6:1 क्या है 1 है। अब कह रहा है इनको पूरी तरीके से मिला दिया जाता है तो बताइए कि नए मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए एक शब्द यहां पे बहुत अच्छा है, इक्वल क्वांटिटी है, और रेशियो भी क्या इक्वल हो तो यहां पर मिक्सचर की वैल्यू हम लिखते नहीं है। ध्यान रखिएगा हम यहां पे कह रहे हैं 5 लीटर है मिल्क है और 5 लीटर मिल्क है, अगर ये 5 लीटर मिल्क है और 2 लीटर पानी है तो ये मिक्सचर कितना होगा, टोटल हो गया 7। तो ये 7 में क्या 5 लीटर दूध है और यहां पे 7 में क्या है 2 लीटर क्या है पानी है, आपने बात। और यहां भी कह रहा है 6 लीटर दूध है 1 लीटर पानी, तो मिक्सचर कितना हुआ 7 लीटर हुआ, 7 में 6 लीटर दूध है और 7 में 1 लीटर क्या है पानी। अब देखिए क्वांटिटी जब बराबर होती है, ये क्वांटिटी बराबर होती है, हमारा मेन उद्देश्य होता है क्वांटिटी बराबर। अगर ये क्वांटिटी बराबर आपको दिख जाती है तो हमको कोई मतलब नहीं होता है कि मिक्स कर रहे हैं, तो हम इनको सीधे जोड़ दें तो ये हमारा मिल्क का रेशियो बदल करेंगे तो ये क्या होगा 5 और 6 क्या होगा 11 हो जाएगा, और 2 और 1 क्या होगा 3 हो जाएगा, तो नए मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा 11:1
तीन हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ गई बात? अगर क्लियर हो गई तो आप इस मेरे इस क्वेश्चन को आपने देख लिया है, समझ लिया है, तो लाइक का बटन दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ गया होगा और इस क्वेश्चन को हम पढ़ के भी सुना दे रहे हैं, देख लीजिएगा। टू वेसल्स कंटेन इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वॉटर इन द रेशियो 9:5 एंड 4:3 रेस्पेक्टिवली। बोथ द मिक्सचर्स आर नाउ मिक्स्ड थॉरली, फाइंड द रेशियो ऑफ द मिल्क टू वॉटर इन द न्यू मिक्सचर सो ऑब्टेन्ड। अब यहां पे क्वेश्चन को देख लीजिएगा, दूध और पानी किसके अनुपात में है? दो वेसल्स हैं जिसमें दूध और पानी, मिल्क और वॉटर 9:5 के अनुपात में, 9:5 के अनुपात में है और दूसरे बर्तन में 4:3 के अनुपात में है। अब कह रहे इक्वल क्वांटिटी है, लेकिन क्या आप बताइए आपको दिख रही इक्वल क्वांटिटी? अगर हम आपसे पूछें क्या आपको इक्वल क्वांटिटी दिख रही है, यहां पे 9 है और यहां पे 5 है, तो इसका मिक्सचर की वैल्यू क्या हो रही है? अगर हम मिक्सचर की वैल्यू बोले तो ये क्या होगी? 14 हो जाएगी। समझा ली बात? ये 9 है, दूध कितना है? 9 लीटर, और पानी कितना है? 5 लीटर। अगर 9 और 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 14 आ जाएगा, और यहां पे 4 में 3 जोड़ेंगे तो ये क्या होगा? 7 हो जाएगा। तो सबसे पहला काम कीजिए इक्वल क्वांटिटी बनाइए। इक्वल क्वांटिटी का मतलब है यहां पे 14 लीटर है, क्या इसको 14 बना सकते हैं? अगर हम आपसे पूछें क्या आप इसको 14 बना सकते हैं तो आप बोलोगे हाँ बना सकते हैं। तो पूछे कैसे? तो आप कहोगे 2 से गुणा करो। जब आपने 2 को इससे गुणा किया तो इसका मतलब 2 इससे भी गुणा होगा और 2 इससे भी गुणा होगा। क्लियर? 2 को इससे भी गुणा कर दें, 2 इससे भी गुणा करें, तो जैसे इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 2 को इससे गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और 2 इससे गुणा किया था तो क्या होगा? 14 हो गया। अब देखिए क्वांटिटी इक्वल हो गई, क्वांटिटी इक्वल हो गई, तो अब किसे हमने 9/14, 5/14 नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा? क्योंकि क्वांटिटी इक्वल है, तब हम इसको डायरेक्ट इसको जोड़ देते हैं। 9, 8 क्या होगा? 17, और यहां पे 5, 6 क्या होगा? 11 होगा। तो दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा? 17 और 11 के अनुपात में हो जाएगा। लेकिन आपको क्या बात याद रखती है कि यहां पर ये तरीका तभी अपनाएंगे इस प्रकार जोड़ने का जब मिक्सचर की वैल्यूज क्या होगी? इक्वल होगी, इक्वल क्वांटिटी होगी तभी लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं आपके स्क्रीन में है। क्वेश्चन है द कंटेंट्स ऑफ टू वेसल्स कंटेनिंग वॉटर एंड मिल्क आर इन द रेशियो 1:2 एंड 2:5 आर मिक्स्ड इन द रेशियो 1:4 द रिजल्टिंग मिक्सचर विल हैव वॉटर एंड मिल्क इन द रेशियो। देखिए ये क्वेश्चन हम आपसे बोलेंगे, अगर आपने पेपर लगाया है, कोई एग्जाम दिया है, तो आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा आपका समय जाता है। अभी देखिएगा हम जबरदस्त आपको इसकी आपको ट्रिक देंगे जिसमें एक ही लाइन में हमारा क्या होगा? आंसर लग जाता है। यहां से जब समझ लीजिएगा क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि दो बर्तनों में जो दूध और पानी है वो 1:2 के अनुपात में तथा 2:5 के अनुपात में है। देखिए 1 और 2 पहले वाले बर्तन में दूध और पानी 1:2 के अनुपात में है। दूध और पानी 1:2 के अनुपात में है। पानी और दूध का रेशियो 1:2 के अनुपात में है। अब हम यहां पर बोल रहे हैं कि मिक्सचर कितना होगा, तो हमने क्या किया? फ्रैक्शन को किसमें चेंज करेंगे? ये रेशियो को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो इसका मतलब है एक
एक लीटर पानी हो गया और 2 लीटर दूध हो गया तो मिक्सचर क्या हो गया, 3 हो गया। तो हम बोलेंगे 3 लीटर मिक्सचर में 1 लीटर पानी है। दूसरे में बोलेंगे कि 3 लीटर मिक्सचर में 2 लीटर दूध है तो पहले वेसल में ये रेशियो तो हमारा ये हो जाएगा। दूसरा दूसरे वेसल में मैं क्या भाषा बोल रहा है, अब दूसरे उसमें बोल रहा है दूसरे वाले वेसल्स में ये बर्तन है 2 और 5 के अनुपात में दूध और पानी है, 2 और 5 के अनुपात में दूध और पानी है। अब आपने बोला 2 और 5 के रूप में अनुपात में पानी है, 2 लीटर पानी है, 5 लीटर दूध है तो मिक्सचर क्या हो गया, 7 हो गया। तो 7 लीटर में 2 लीटर क्या है पानी है और 7 लीटर मिक्सचर में 5 लीटर क्या है दूध है। अब इनमें से कह रहा है पहले वाले बर्तन का एक में पहले वाले बर्तन इनमें से क्या कर रहा है, इनको 1 और 4 के अनुपात में मिक्स किया जाता है। मतलब कहा जाता है कि अगर टोटल 5 लीटर मात्रा है तो एक इसका इस बर्तन का एक भाग निकाला जाता है, जब एक भाग निकाला जाता है तो इस बर्तन का क्या निकाला जाता है 4 भाग निकाला जाता है। समझ में आ रही बात, जब इस बर्तन का एक भाग निकालेंगे इसका भाग 4 निकालेंगे तो टोटल भाग कितना हो गया 5 और 5 में एक भाग इसका निकलेगा और 5 में 4 भाग क्या होगा इसका निकलेगा। अब एक भाग में तो जो 1/3 जो वाटर है अगर 1/5 में कितना होगा तो इस रेशियो को क्या करेंगे इन संख्याओं से गुणा करेंगे। तो इनको जैसे ही गुणा करेंगे तो देखिए इसको इससे गुणा करेंगे तो 1/15 हो गई, पहले वाले बर्तन में पानी का 1/15 हो जाएगा और दूसरे वाले बर्तन में पानी की मात्रा बात करें तो यहां पर पानी की मात्रा 4 दुनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 5 7 क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो यहां पे जब मिक्स करके इनको थोरोली मिलाया गया है तो ये क्या होगी, ये पहले वाले बर्तन के पानी की मात्रा या दूसरे बर्तन के पानी की मात्रा होगी। इसी प्रकार इसमें पानी की मात्रा बोले तो इसमें पानी की मात्रा 2/ क्या हो जाएगी 2/15 हो जाएगी और इसमें पानी की मात्रा क्या होगी 20/ क्या हो जाएगी 35 हो जाएगी। अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एक पूरा हम कॉमन एक्शन ले रहे हैं तो आपको पता चलेगा इसमें 105 आएगा, 105 के बड़े में 7 बार आता है, 15 के बड़े में 7 बार आता है तो 7 का 5 इससे बढ़ेगा 7 एक 7 हो जाएगा, 35 के बड़े में 3 बार आता है 3 को इससे गुणा कर तो 8 क्या होगा 24 होगा और इसको 5 के पढ़े में कितने बार आया 7 तो 7 दुनी क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, 35 के पढ़े में 35 के पढ़े में 3 बार तो 20 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, अब इनको जो जोड़ देंगे वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इस पे 24 में 7 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 74 हो जाएगा, 31 और 74 के रूप में आपको आंसर हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व जब करने जा रहे हैं तो इतना समय हमको यहाँ तो एलसीएम मिल गया और कट करने का मौका मिल गया इससे आंसर निकाल लिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हम शॉर्टिक्स के तरीके की बात करते हैं, शॉर्टिक्स के तरीके की बात कर रहे हैं। देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को हम यहाँ से मिटा रहे हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को ऐसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला कि पहले वाले, अब देखिएगा जो जितनी भाषा बोल रहे हैं आप वैसे लिखिएगा और यहाँ पे देखिए हम कैसे लिख रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक बर्तन में पानी और दूध 1 और 2 के अनुपात में है, दूसरे बर्तन में दूध और पानी 5 के अनुपात में है। तो हम आपसे बोल रहे हैं ये मिल्क है, ये मिल्क है और ये क्या है वॉटर है और ये क्या हुआ मिक्सचर। मिक्सचर की वैल्यू को हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, मिक्सचर की वैल्यू को लिखे दे रहे हैं तो मिक्सचर कितना होगा 3 हो जाएगा। मिक्सचर कितना हो गया 3 हो गया, इस पे 2 है इस पे 5 है तो मिक्सचर क्या हो गया 7 हो गया। तो इसकी एक मात्रा लेते हैं और इसकी क्या दें 4 मात्रा लेते हैं। तो देखिए अब हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन की बात करें और क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे अनुपात की बात कर रहा है कि पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं, हमने क्या वाटर पहले वाले तो वाटर लेना है तो इसका एक है इसको एक के रेशियो से गुणा करेंगे और इसके मिक्सचर से गुणा करें तो 1 एकम 1 और ये हो जाएगा 7। क्या बात समझ में आ रही है, अगर समझ में आ रही है 1 एकम 1 वाटर इसकी एक मात्रा है, वाटर की एक रेशियो से गुणा करें और सेकंड वाले रेशियो से क्या करें जो मिक्सचर से गुणा कर दें तो 1 एकम 1 और 1 सत्य क्या होगा 7। तो पहले वाले की ये क्या होगा पानी की मात्रा हो गई।
इसी प्रकार दूसरे वाले बैसल में पानी की मात्रा क्या होगी, तो क्या करेंगे चार को इससे गुणा करेंगे, चार उन्नी आठ हो जाएगा और आठ का गुणा करेंगे पहले वाले मिक्सचर से कर देंगे तो क्या होगा चार उन्नी आठ और आठ में क्या होगा चौबीस, तो पहले वाले में पानी की मात्रा क्या हो जाएगी इकतीस हो जाती है। ये बात समझ में आ रही है। अभी हमने इसकी किसकी बात की, अभी पानी की बात की तो पानी वाले पे इस पे लगा दिया। अब हम दूध की बात कर रहे हैं तो दूध वाले में क्या हुआ एक का गुणा करेंगे दो से करेंगे और इसका गुणा इससे कर देंगे तो एक दूनी दो हो जाएगा और दो सत्य क्या होगा चौदह हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही होगी, क्लियर है? अगर आपको क्लियर है तो जस्ट बोलिए और बोलते रहिए, कमेंट करके समझाइए। और यहाँ पे इसका इससे गुणा करेंगे, मिल्क की बात कर रहे हैं इसकी चार मात्रा है, दूसरे वाले बर्तन के का चार हिस्सा दिया गया है, चार को पांच से गुणा चार पंचे बीस और दूसरे वाले की टोटल मिक्सचर की मात्रा से गुणा करें तो चार पंचे बीस और बीस से क्या होगा साठ होगा। अब इनको जोड़ दें तो क्या होगा चौहत्तर होगा। देखिए इकतीस और चौहत्तर का अनुपात हो गया। क्या आपको लग रहा है इजी मेथड है? अगर इजी मेथड है तो फिर से कह रहे हैं लाइक करो, अगर नहीं किया है अभी तक तो लाइक करो और लाइक करोगे कमेंट करो और शेयर जरूर करो, क्योंकि आपके जो शेयर करते हैं वो मेरे उत्साह को बढ़ाते हैं और मेरे काम करने की दृढ़ता को और प्रोत्साहित करते हैं। दूसरी चीज आप लोगों से हम बार बार कह रहे हैं, एक बार रिपीट करके फिर से कह रहे हैं कि हम 1000 सब्सक्राइबर के कम से कम करीब हैं और आप जिन्हें क्या करें जल्दी से पूरा कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो देखे कहिए। 1000 सब्सक्राइबर जैसे हो जाते हैं हम लाइव आते हैं और लाइव होके आपको सामने बात करते हैं। अब लाइव होने से फायदा आपको क्या है कि आप जैसे हमसे क्लास में क्वेश्चन पूछते थे और वैसे ही आप क्लास में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम उसको आपके क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम तुरंत क्या करेंगे आंसर दे सकते हैं। ये हमको बेनिफिट मिलेगा, इसलिए आपसे जरूर कह रहे हैं कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यह आपका अपना चैनल है, पढ़ाने का काम हमारे पक्ष में रखिए और सीखने का काम आप अपने पक्ष में रखिए, शेयर करने का काम अपने पक्ष में रखिए और दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद क्यों आपका काम इतना नहीं खत्म हो जाता कि शेयर कर दिया काम खत्म हो गया, क्योंकि शेयर करने के बाद आपको पहले तो ईमानदारी आपके अपने प्रति होनी चाहिए कि आप वीडियो को 3 बजे रोजाना बैठ के जरूर देखिए और इसी प्रकार उन दोस्तों से भी पूछे क्या आपने वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को जरूर देखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। अब आ जाते हैं, अब इसी प्रकार के क्वेश्चन को हम एक बार फिर से करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में आ गया, इसको हम पढ़े दे रहे हैं। लिखा है द कंटेंट्स ऑफ टू वेसल्स कंटेनिंग वाटर एंड मिल्क आर इन द रेशियो 2:3 एंड 4:5 आर मिक्स्ड इन द रेशियो 1:2। द रिजल्टिंग मिक्सचर विल हैव वाटर एंड मिल्क इन द रेशियो। देखिए पहले वाले जो बर्तन है, पहले वाले बर्तन में दूध में पानी और दूध दो और तीन के अनुपात में है। पहला वाला बर्तन ये वाटर की बात करें और यहाँ पे मिल्क की बात करें तो पहले वाले बर्तन में दूध और पानी 2:3 के अनुपात में, 2:3 के अनुपात में है और दूसरे बर्तन में पानी और दूध 4:5 के अनुपात में है। पहले वाले बर्तन का एक भाग निकाला जाता है और दूसरे बर्तन का दो भाग निकाला जाता है और इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है और इस नए मिक्सचर में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे मिक्सचर कितने की बात होगी तो मिक्सचर अगर यहाँ पे मिक्सचर देखें तो इससे मिक्सचर आएगा टोटल 5 आएगा और इससे क्या आएगा 9 आएगा। तो आप देखते हैं वाटर का मिक्सचर कैसे होगा, इसका इससे गुणा करेंगे और इसका इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा 1 × 2 और 2×9 क्या होगा 18। तो पहले वाले बर्तन से जो पानी की मात्रा के रूप में जो वाटर आएगा वो 18 के रेशियो में आएगा। दूसरे वाले में देखें तो 2 का पढ़ा 4 पढ़ेंगे 2 × 4 = 8 होगा, 8×5 क्या होगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे वाटर का ये रेशियो आ गया।
इसका इससे गुणा किया और इसको इस मिक्सर से गुणा कर दिया। दूसरे पे अब हमको दूध की बात करें तो दूध की बात करें, अब दूध का रेशियो करें, अब हमको दूध से मतलब है, अब पानी से मतलब नहीं, तो पानी वाला रेशियो हमने हटा दिया। तो अब इसका इससे गुणा करेंगे, एक या तीन और तीन नवा क्या होगा, सत्ताईस, सत्ताईस लिख देंगे, प्लस इसका इससे गुणा करेंगे, दो पंचे दस और दस, दस का गुणा पांच से कर देंगे तो क्या होगा, पचास हो जाएगा। तो ये जो रेशियो जोड़ोगे ये क्या आएगा, वाटर के रेशियो को सो करेगा तो जोड़ेंगे एट, फाइव फिफ्टी एट हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, सेवेंटी सेवन हो जाएगा। तो फिफ्टी एट और सेवेंटी सेवन के रूप में हमारा ये क्या होगा, रेशियो आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से लर्न हो चुका होगा, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ गया और हम बोले दे रहे हैं क्वेश्चन, द कंटेंट ऑफ टू वेसल्स कंटेनिंग वाटर एंड मिल्क आर इन द रेशियो 3:4 एंड 5:4 आर मिक्स्ड इन द रेशियो 1:4, द रिजल्टिंग मिक्सचर विल हैव वाटर एंड मिल्क इन द रेशियो। देखिए दो बर्तन हैं, पहले वाले बर्तन में दूध और पानी 3:4 के रेशियो में है, 3:4 के रेशियो में है, और दूसरे बर्तन में दूध और पानी 5:4 के अनुपात में है, 5:4 के अनुपात में। पहले वाले बर्तन में 3:4 के अनुपात में है, ये क्या है, वाटर है, और इस पे क्या है, ये मिल्क है, ये है, और पहले वाले बर्तन का एक में से एक भाग निकाला जाता है और दूसरे वाले बर्तन का चार भाग निकाला जाता है, और इन दोनों मात्राओं को मिक्स किया जाता है। तो बताइए जो नया मिक्सचर होगा उसमें पानी और दूध का क्या अनुपात होगा, ये क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मेरा मन तो कह रहा है कि क्वेश्चन आप खुद लगा के हमको आंसर बताइए, क्या आप लगाने के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो देखिए, चलिए लगा दे रहे हैं, कोई बात नहीं, हम ही लगा दे रहे हैं, चलिए लगा कर देखते हैं। तो आपको पहले बताइएगा, ये है यहां पर पहले वाले में मिक्सचर कितना हो जाएगा, तो पहले वाले में 3 लीटर पानी है, 4 लीटर मिल्क है, तो मिक्सचर कितना होगा, 7 लीटर हो जाएगा। पहले वाले में, दूसरे वाले में 5 लीटर पानी है, 4 लीटर दूध है, तो टोटल क्या होगा, 9 लीटर हो जाएगा। अब देखिए हमको किसकी मात्रा चाहिए, अब हमको पानी की मात्रा चाहिए, तो देखिए पानी की मात्रा हम पहले दूध की मात्रा को हटा देते, दूध की मात्रा को हमने क्या किया, हटा दिया, और दूध की मात्रा को हमने हटाने के बाद कैसे गुणा करेंगे, इसका गुणा किससे करेंगे, एक चैन तीन और तीन नौ क्या होगा, 27, तो पहले वाले से पानी मात्रा 27 हो जाएगी, दूसरे वाले चार पंचे बीस और 20 सत्ते क्या होगा, 20 सत्ते 140 हो जाता है, इसको जोड़ दें तो 7 हो जाएगा, तो 167 हो जाएगा। ये मिल्क, ये क्या है, पानी का रेशियो आ गया। अब हमने यहां पर पानी के रेशियो की बात की, अब हम किसके रेशियो की बात करेंगे, अब मिल्क की बात करेंगे, तो मिल्क में 3:4 के अनुपात में था, ये 5:4 के अनुपात में था, तो मिल्क की बात करें तो इसको हटा दे रहे हैं, तो कैसे गुणा करेंगे, 1 का 4 से गुणा और कैसे गुणा, तो 9 चौको क्या होगा, 36 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 9 चौको 36 हो जाएगा, प्लस इसका इससे गुणा करेंगे क्या होगा, ये क्या करेंगे, 4 चौक 16 होगा, और 16 का पहाड़ कितने बार पढ़ेंगे, 7 बार पढ़ेंगे, तो 16 सत्य क्या होता है, 112 होता है, 112 ये जोड़ देंगे, 7 छह 42 के 2 4 7 7 1 7 4 11 होगा, तो 16 4 चौक 16 और 16 सत्य क्या होगा, 112 होगा। अब इस नंबर को जोड़ देंगे तो क्या होगा हमारा, ये वाटर का रेशियो आ गया, ये मिल्क का रेशियो होगा, 6 2 क्या होगा, 8 हो जाएगा, और 1 और 11 13 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 14 होगा, तो 148 और 148 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है और लिखा है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 9:14
If the larger number is 55 more than the smaller, find the numbers. देखिए दो संख्याएं 9 और 14 के अनुपात में है, दो संख्याएं 9 और 14 के अनुपात में है और यहां पे देखा है इन जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या से 55 अधिक है, 55 अधिक है, 55 अधिक है। अगर हम यहाँ पे इसको देखते ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है तो देखिए बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितना अधिक है, 5 अधिक है। इसके हिसाब से 5 अधिक है अकॉर्डिंग रेशियो, ये 14 है ये 9 है तो इनमें कितने का अंतर है 5 का, लेकिन अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये कितनी अधिक है 55 अधिक है, मतलब ये इस नंबर का क्या है 11 गुना है। इसका भी 11 गुना करें तो 11 दिन क्या होगा 99 होगा, इसका 11 गुना करें क्या हुआ 154 होगा, 154 होगा। तो पहली संख्या क्या हुआ 99 होगी और दूसरी संख्या क्या होगी 154 होगी, तो इट इज योर आंसर। ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया। देखिए समझ में आ गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करते हैं, इफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज इन द रेशियो 9:7:9 एंड इनकम ऑफ बी इज ₹240 मोर देन डेट ऑफ ए, फाइंड द इनकम ऑफ सी। देखिए तीन व्यक्तियों की इनकम में 3, 3, 7 एंड 9 का रेशियो है। इसमें कह रहा है बी की इनकम ए की इनकम से 240 अधिक है, तो कंडीशन बी और ए, ये ए है ये बी है और ये सी है, बी की इनकम इस पे रेशियो के बेस पे देखते हैं कितनी अधिक है, ये कितनी अधिक है से तो आप बताओगे 4। क्वेश्चन में कितनी अधिक है 240, ये इस नंबर के 6 गुने से 1 जीरो ज्यादा है। अब सी की इनकम चाहिए तो हम इसका भी क्या करें 6 टाइम्स करें, 9 6 54 हो जाएगा और 1 जीरो ज्यादा कर देंगे तो सी की इनकम क्या होगी 540 हो गई, 540 हो गई, समझ में आ गया। अब हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, द मंथली सैलरी ऑफ ए बी एंड सी इज इन द प्रपोर्शन 2:3:5 इफ सीज मंथली सैलरी इज ₹1200 मोर देन एज मंथली सैलरी, तो हमको फाइंड करनी है बीज एनुअल सैलरी। समझिएगा द मंथली सैलरी ऑफ ए बी, ए बी एंड सी इज इन द रेशियो 2:3:5। फिर कह रहा है कि सी की मंथली सैलरी ए की मंथली सैलरी से, सी की मंथली सैलरी ए की मंथली सैलरी से ₹1200 अधिक है। इसके रूप में देखें तो इस पे कितना अधिक है 3 अधिक है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना अधिक है 12 अधिक है, 1200 अधिक है, तो आप बताइए ये इस नंबर से क्या है 4 गुने से 2 जीरो ज्यादा है, तो अब हमको बी की सैलरी चाहिए तो ये क्या करें, तो 3 बराबर यहाँ पे 3 की बात करें इसको मत देखिए, 3 बराबर 12 है तो यहाँ पे 3 बराबर भी क्या हो जाएगा 1200 के बराबर का, इन दोनों का डिफरेंस 3 आया, 3 बराबर ही चाहिए तो ये तो बी की सैलरी है तो बी बराबर 1200 हुआ। और अगर एनुअल सैलरी चाहिए तो एनुअल मतलब पूरे साल की चाहिए, एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 से गुणा करें तो 12 का 12 से गुणा करता है 144 होता है, 2 जीरो बढ़ा दे तो ये सैलरी क्या होगी बी की एनुअल सैलरी। क्लियर, ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन में आ गया है, एन अमाउंट ऑफ ₹750 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट ए बी सी इन द रेशियो ऑफ 4:5:6, व्हाट इज द शेयर ऑफ बी। देखिए कह रहा है ₹750 में ए बी और सी के बीच इस प्रकार व्यतीत कर, इस प्रकार बांटे कि उनके बांटे प्राप्त राशि में 4, 5 और 6 का अनुपात, 4, 5 और 6 का अनुपात हो तो बताइए बी का शेयर क्या है। अगर हम टोटल सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 4 और 5 9 6 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और क्वेश्चन में ये टोटल सैलरी किसके बराबर है 750 के बराबर है,
तो ये इस नंबर का 5 गुने से एक जीरो ज्यादा है, 5 गुने से एक जीरो ज्यादा है, तो इसका भी 5 गुना कर दें, 5 5 25, तो क्या होगा, एक जीरो ज्यादा कर दें तो 250, ये सैलरी हो जाती है। तो व्हाट इज द सैलरी ऑफ बी, तो सैलरी ऑफ बी कितनी होगी, 250 हो गई। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल अर्थमैटिका को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब किए, अगर आपने हमारे Facebook के ऑफिशियल पेज अर्थमैटिका प्रदीप एकेडमी को आपने लाइक ना किया हो तो लाइक कीजिए, और उस पे अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा है तो भी कमेंट कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। ये हमारी भी जरूरत है और आपकी भी जरूरत है कि जब आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, दोस्तों के साथ आप इसको यदि बांटते हैं तो हमारे उत्साह में वृद्धि होती है। दूसरी चीज क्या होती है, उन व्यक्तियों की सोचिए, कल्पना कीजिए जिस लॉकडाउन में फंसे हैं, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है, पढ़ने का कोई जरिया भी नहीं है, उस समय इस वीडियो के माध्यम से उनके हम कितनी हेल्प कर सकते होंगे, इसकी बात सोचिए। इसकी बात सोचिए कि एक यहाँ पे जो सराउंडिंग होगी, पढ़ने की सराउंडिंग होगी, आपके दोस्तों की जो सराउंडिंग होगी, वो पढ़ने की सराउंडिंग होगी, आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, आप उनसे क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, और इस प्रकार चैनल को सब्सक्राइब करने से एक फायदा ये मिलता है। दूसरी फायदा आपको क्या मिलता है कि जिस समय हम सब्सक्राइब करने की बात बार बार में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लाइव आने के बिल्कुल करीब हैं। अगर आप लाइव आने के बिल्कुल करीब में हैं तो इसका मतलब है कि जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर पूरे होते हैं, हम आप क्या करेंगे, हम आपको लाइव पढ़ाने लगेंगे, और ऐसे समय में आपको जो क्वेश्चन पूछना है, क्लास चलते चलते ही आप क्वेश्चन हमको पूछ सकते हो। और ऐसे क्या हो रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, हो सकता है क्वेश्चन पूछने की बात हो तो आप बाद में हमसे पूछ लेते हो, लेकिन इस समय नहीं पूछ पाते हो, और आपका अभी भी जो प्यार अपनत्व और इसने हमारे अर्थमैटिका परिवार को मिला है उसको हम दिल से नमन करते हैं, और हमारी पूरी अर्थमैटिका टीम आपको को धन्यवाद देती है। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक लिए धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होती है। थैंक यू।